वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ORS सॉल्यूशन के बारे में, इसका क्या यूज़ है, इसको कब लेना है और ये क्या काम करता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। ORS पाउडर एक WHO पर आधारित फॉर्मूला है। इसमें कई आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट है जो कि शरीर के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये ORS का पैकेट है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये बहुत सारे फ्लेवर के आते हैं, जैसे कि ये ऑरेंज फ्लेवर का है, नींबू का भी आता है, पाइनएप्पल का भी आता है और बहुत सारे फ्रूट्स के फ्लेवर के आते हैं। इसके पीछे साइड पे इसका कैसे यूज़ करना है, इसका कंपोजिशन, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसका डोजेस और इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब दिया हुआ है। ख़ास तौर पर ये देखा गया है कि उल्टी, दस्त, अधिक गर्मी पड़ने के कारण हमारे शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, उसकी वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट होने लगता है। तो इसी डिसबैलेंस को मेंटेन करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है। इसमें पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड शरीर के सामान्य कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी इलेक्ट्रोलाइट है। इसके साथ साथ पाए जाने वाला पोटेशियम क्लोराइड एसिड बेस बैलेंस, मसल्स, नर्वस सिस्टम, हार्ट और किडनी के रख रखाव के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले अगर इसका यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका एक्सपायरी चेक कर लें कि इसका एक्सपायरी कब है। इसका घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी लेकर उसको उबालते हैं। उबले हुए पानी को कुनकुना होने के लिए छोड़ देना। इसके बाद इसमें 1 पैकेट ORS का पाउडर डालना है। फिर इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिलाना है ताकि जो पाउडर है वो पानी में अच्छे से घुल जाए। एक बार बनाया हुआ ORS का घोल 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। दस्त होने पर ORS का यूज़ क्यों करते हैं? जब दस्त हो जाता है उस समय ORS का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या कारण है कि ये ORS का उस समय यूज़ करते हैं? इसकी वजह से हमारे शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है वो सब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसको बॉडी में मेंटेन करने के लिए ही ORS का घोल दिया जाता है, क्योंकि जो ORS का घोल है उसमें इलेक्ट्रोलाइट रहता है। अगर ORS उपलब्ध ना हो तो उस कंडीशन पर ORS का घोल घर पर कैसे बनाएं? तो सबसे पहले ORS बनाने के लिए 1 लीटर पानी, आधा चम्मच नमक, 6 चम्मच शक्कर की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ORS तैयार करने के लिए एक साफ़ बर्तन, 1 चम्मच और 1 ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। इन सबको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो। अब 1 लीटर पानी को उबाल लें, फिर उसको कुनकुना होने के लिए छोड़ दें। फिर इसमें आधा चम्मच नमक और 6 चम्मच शक्कर डालें। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर जैसे मैंने पहले बताया कि एक बार जो बनाया हुआ 1 लीटर का घोल है उसको आप 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये था ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का घोल कैसे बनाना है और इसका यूज़ कब करना है। रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं।